राजा भी हमारे साथ आया है, ऐसा मन कर रहा है बस सोते रहो। गाइस मुझे अपने बचपन की याद आ गई है, अंकल आए हैं जो के लेके आते थे कुछ कुछ। आपका दोस्त देखो फ्री हो गया, भाभी चलो के विवेक गाड़ी लेके कहाँ घुसे हुए। ये हम गाइस घर पे आके अलग ही मजा आता है, वो गाँव वाली प्रॉपर लाइफ। राजा कितना प्यारा लग रहा है मेरे बेटू। राजा को राजा की दोस्त मिल गई है और ये देखो क्या कर रहा है। गाइस इट इज कॉल्ड पार्किंग स्किल्स। तो गाइस घर में गुड न्यूज आने वाली है। मैं गाना गाऊंगा। गाओ। क्या सुर लगाया इसने यार। किबली डॉग 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 यस यस। Hey, good morning everyone, welcome back with the new vlog. So, हम लोग रात आ गए थे पंजाब और राजा भी हमारे साथ आया है। राजा यहाँ पे इतनी ठंड है, उठने का तो मन भी नहीं कर रहा है ना। ऐसा मन कर रहा है बस सोते रहो। ये तो रात 1 बजे से सो के अगले दिन के 1 बजे उठे। राजा सोते रहो बस सोते रहो सोते, ये ज्यादा अच्छा प्लान है ना। 10 बजे कह रहे हैं मम्मा मुझे दूध पिला दो। हाँ जी आप गुरमन के साथ खेलना है, आपके शूज मंगा लो, शूज पहना दो आपको, आप दो। गुरमन कैसा होगा गाड़ी देखते ही हमें देख लो जरा, मुंह की तरफ देखेगा मेरी। बाय कर दो गुरमन, बाय बाय चुपचाप चल चल फूफू को जान दो। चलो गाइस मुझे अपने बचपन की याद आ गई है, वो अंकल आए हैं जो के लेके आते थे कुछ कुछ, राजा ने उनसे लॉलीपॉप लिया। सो गाइस मम्मी और विवेक अभी जा रहे हैं, मैं और राजा इधर खेल रहे हैं, ये लोग कहीं जा रहे हैं मत्था टेकने। ओके गाइस बाय बाय, जल्दी आना ठीक है, खब बाबा जी को भी लेके आना है, जब तक हम लोग रेडी हो जाते हैं राजा को नहला देती हूँ। गाइस इसके काम देख लो, मैं लेके बैठी हुई यहाँ पे सारा कुछ और ये पूरा मिट्टी में खदड़ खदड़ हो रहा है। अब बस चलो, हाँ आपका दोस्त देखो फ्री हो गया, भाभी चलो नहाएंगे चलो। सब लोग आ गए ना गेस्ट, सबको हेलो करो। तो गाइस सुबह सुबह हम लोग रेडी हो गए थे क्योंकि घर पे प्रभात फेरी थी, सब लोग अभी प्रभात फेरी खत्म हुई है, सब लोग गए हैं। राजा आप तो कैसा लगा आज? हम लोग मैं 3 बजे उठ गई थी, राजा 4 बजे उठा और विवेक भी 4 बजे उठे और मैंने ये वाली आउटफिट पहनी हुई थी अपनी। गाइज अभी हम लोग बाहर आए, मैं और राजा, विवेक ने हमें फ़ोन करके बुलाया तो मैंने देखा कि विवेक गाड़ी लेके कहाँ घुसे हुए हैं। ये हमारा प्लॉट है जो मम्मा और अब लिया था, उधर घर है इधर प्लॉट है और इसमें विवेक देखो गाड़ी को घुमा रहे हैं, देख लो इनके काम। मम्मी थोड़ी प्लॉट की मिट्टी पाट तीन ने राजा को मैंने विवेक के पास छोड़ दिया, अब ये लोग यहाँ गाड़ी घुमा रहे हैं, मैं जा रही हूँ घर। गाइस घर पे आके अलग ही मजा आता है, वो गांव वाली प्रॉपर लाइफ। वैसे मैं अपने गांव में नहीं हूँ, मैं मौसी जी के पास में हूँ। मम्मी ऊपर से देख रही है मुझे, हंस रही है मुझे देख देख। एक चीज़ और गाइस, मम्मी का मेरी वजह से फ़ोन घूम गया है। हुआ क्या था, कल रात को घर पे अखंड पाठ होने वाला था तो मम्मी ने मुझे फ़ोन दिया था दीदी से बात करने के लिए, तो वो फ़ोन मैंने इतने बंदे थे यहाँ पे अराउंड 100 बंदे, पता नहीं मैंने किसको पकड़ाया गया मम्मी का फ़ोन पकड़ना और वो फ़ोन फिर मिला ही नहीं है। तो मम्मी अभी जा रही हैं सिम निकलवाने क्योंकि फ़ोन में सिम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद अब नया फ़ोन लेंगे। ले लो दूर मन से तो अपने। नहीं नहीं बेटा नहीं नहीं, छोटा भाई पींदे छोटा भाई है बेटा, पीने गिलास में डाल दो गिलास। हम लोग रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं मामा जी के यहाँ पे और राजा ने कितनी प्यारी आउटफिट पहनी है। राजा कितना प्यारा लग रहा है मेरे बेटू। वाह बेटा क्या खाना है आपको, मुझे सुनाई नहीं दिया था बेटू। अच्छा हाँ तो पिज्जा नहीं मिलता वो दे दो बाबू, अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो आपको कैसा लगेगा? गलत लगेगा। ये राजा मैकड़ी पे आ गए हम लोग, ये मैंने तो आपकी बात मान ली राजा। हाँ। मैं तो आपके अच्छा डैड आऊंगा। डैड आता था मम्मा था। डैड आता। थैंक यू राजा। बदल गया आप। ये दोनों का करता है मैंने देख लिया, इसका रेशो जो है ना वो 50-50 रखता है। अभी सुबह से 2 बार मुझे बोल दिया, आपको 1 बार भी नहीं बोला तो आप हार गए एक तरफ। सो गाइस फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं मामा जी के यहाँ से और हमें फिलहाल जाना है मतलब जो खुशी की बुआ जी और मतलब बुआ जी की बेटी के यहाँ, तो पहली उनकी शादी के बाद हम लोग पहली बार उनके यहाँ जा रहे हैं तो जल्दी से निकलते हैं। हाँ जी बाद में बात है नाश्ता करते हैं अभी बेटा, ऑर्डर देना है ना पहले हमसे, पहले 2 गाड़ियां हैं उनको ऑर्डर देने दो पहले। देखो राजा कुछ भी ले सकते हैं हम इनमें से कुछ भी। राजा आपको ये चाहिए होता है क्या? राजा को राजा की दोस्त मिल गई और ये देखो क्या कर रहा है, थक जाओगे बस। सो गाइज अभी हम लोग बब्बल दीदी के पास आए थे जिनकी अभी भी हम शादी में आए थे, तो राजा ने यहाँ अपनी दोस्त ढूंढ ली है ना राजा,
और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए। मेरी पार्किंग स्किल दिखाऊं? खुद देख लो जरा हमारा। गाइस इट इज कॉल्ड पार्किंग स्किल्स। ये देखो कितना सा बचा हमने गाड़ी को। मान गया तो डैडा को मान गया तो सुपर ही है। तो गाइस अभी हम लोग घर आ चुके हैं, मैंने चेंज कर लिया है और दीदी की शादी हो चुकी है। दीदी कैसा लग रहा है आपको? हाँ राधा का बैलून खेलते खेलते फट गया, तो अभी हमने इसको चुप कराने के लिए अपनी जान बचाने के लिए हमने राधा को टोक दिया। ठीक है खाओ राजा। मौसी तो बहुत कुछ लाई है आपके लिए। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं दीदी के पास और मैंने भी चेंज कर लिया, राजा के साथ खेल रही हूँ। तो गाइस घर में गुड न्यूज आने वाली है। बबल दीदी गुड न्यूज का तो दिन दिन लगे थे थर्ड टाइम तक, तो मैं भी मौसी बनने वाली हूँ गाइस। तो मैं जल्दी मौसी बनने वाली हूँ, फिर हम दोबारा आएंगे छोटे बेबी को मिलने। और क्या चाहिए बेटा आपको? नूडल वूडल बता रहे हैं। अब रात को सुनो बेटा, फिलहाल तो ये तो बॉम्बे तो है नहीं है, ये जहाँ आप हो यहाँ पे भी फिलहाल सोना मिलेगा बस, और कुछ नहीं मिलेगा। सोना चांदी तेज दिमाग टीवी नहीं है बेटा, है रिमोट से चलेगा जो कंप्यूटर है। मैं कह रहा हूँ टीवी सोच रही है रिमोट से चला रही है इसको। बब्बे तो बॉम्बे का पा रहा है हमारे पास। चलो ये शादी चल रहे हैं। कोमल तेरे MBBS चल रही, सब लोग पूछ रहे थे कि तू कॉलेज में आ गई। हाँ बहुत अच्छी चल रही है गाइस। यार इसके मुंह पे थप्पड़ मारो, कैसे सो रही है बता। यार मैं सुबह 6 बजे के उठ के बस में जाती हूँ, 2 घंटे जाना टाइम पास करने के लिए। तू टाइम पास यार, आप लोग कैसे मेरी हर चीज को टाइम पास मान ले। नहीं हर चीज को टाइम पास नहीं मानना, आप मेरी हर चीज को टाइम पास। अगर मैं चंडीगढ़ पढ़ने चले गई उसको भी टाइम पास। बीटेक कर रही थी, तूने चंडीगढ़ पढ़ के क्या किया है जल्द बता, तू दिल से बता। यार उस टाइम पे मेरा टाइम पास किया है? नहीं टाइम पास नहीं था उस टाइम पे, मैं जॉब करने जाई थी पर मेरा वो टाइम पास हो गया, वो वैसा टाइम पास हो गया कि मैं चाहती नहीं थी कुछ करना। कैसे बोल रही है राजा ये, क्या कर रहा हूँ मैं? मन नहीं कहता 9 to 5 जॉब करने का, लेकिन अब मैं किसी के पीछे मेरा पानी पीने का नहीं तरीका है, बहुत गंदा तरीका है लेकिन पानी पीने का। हेलो राजा, भाई मैं सच बताऊं इसकी आवाज वैसे राजा की लाउड है थोड़ी सी, और अभी से मिल गया तुरंत मैं दाना क्या सुर लगाया इसने यार। डॉप 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 दुल्हन की दोस्त दुल्हन और दुल्हन की दोस्त। मेरा नाम ऋषि चरण बेबी कैन नाचोस। हेलो नाचोस।